हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ नगर कोट की कांगड़ा देवी जी, जिनको ब्रजेश्वरी देवी जी भी कहा जाता है। और ये मंदिर है, ये मंदिर कांगड़ा का रास्ता है और इसमें हम लोग चढ़ाई चढ़कर जा रहे हैं। और ये देखो कितना अच्छा सा बना हुआ है। और अभी तो भीड़ नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में आए हुए हैं। मॉर्निंग में मंदिरों में भीड़ कम होती है। और ये चढ़ाई अंदर से मार्केट भी है, मार्केट से होते हुए हम लोग मंदिर में जाएंगे। आप देवी के किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पहाड़ों पे दर्शन करने जाओ, हर जगह मार्केट भी होती है और हर जगह चढ़ाई भी होती है, क्योंकि मंदिरों के पास प्रसाद की और भी चीज़ों की शॉप्स वगैरह लगी हुई होती हैं, जिनको आपने देखना भी होता है और सामान भी खरीदना होता है प्रसाद चढ़ाने के लिए। और कितना अच्छा सा सब मिल रहा होता है। फिर प्रसाद खरीद के हम लोग फिर आगे के लिए बढ़े थे। ये पूरी मार्केट लगी हुई है और पूरा सामान सब मिल रहा है। बोलो माता की जयकारे लगाते हुए चलो, अच्छा लगता है। हम लोग मंदिर के अंदर गए हैं। ये देखो मंदिर का है। मंदिर में कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और बहुत घुमावदार लाइन है। ऐसे जाके फिर कितने सारे राउंड राउंड करके मंदिर के अंदर जाना होता है। हम लोग फिर लाइन में लगे हुए थे और बच्चे लोगों के साथ लाइन में लगे तो बच्चे मज़े कर रहे थे। बच्चों को मज़े बहुत आते हैं और सब मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छा टूर था हमारा ये और बहुत अच्छा भी लग रहा था मंदिर में। मंदिर पे बहुत सारे पीतल के शेर बने हुए थे, बहुत शेर बने हुए थे। देखो कितने सारे। और लग रहा था हाँ मंदिर में आकर मंदिर की इतनी अच्छी सी भावना होती है। और लाइन में लगना भी अच्छा लगता है। जब मंदिर में आप भीड़ देते हो तो आपको भी लगता है कि हाँ लाइन में लग के ही प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद मंदिर में दर्शन करने चाहिए। मंदिर में आकर ये नहीं लगता कि हमको मैं इससे आगे निकल जाऊँ या ये हो, मैं इससे पहले दर्शन कर लूँ, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन मंदिर में जाकर एक अच्छी सी भावना आती है और वो भावना बहुत अच्छा सा लगता है कि चलो मंदिर में लाइन लगकर अच्छा लगता है। मैंने अभी आपको मंदिर के पूरे दर्शन कराए। वो दर्शन मंदिर की फ़ोटो नहीं ले सकते थे इसलिए मैंने वो फ़ोटो नहीं ली, लेकिन मैंने पूरा गेट तक दिखाया है आपको। और ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे भी प्राचीन पेड़ लगा हुआ है बरगद का और बहुत सारे, पूरा बहुत बड़ा मंदिर है ये। मैं पूरे आपको पूरा फ़ोटो पूरे मंदिर दिखा रही हूँ, पूरी वीडियो बनाकर। और आपको पता ही है कि जहाँ कहीं पर भी माता का मंदिर होता है वहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर ज़रूर होता है। तो मैं आपको भैरव बाबा का भी मंदिर दिखाऊंगी। यहाँ पे भी भैरव बाबा का मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ा सा लंगर भी लगता है, लंगर का भी बना हुआ है कांगड़ा जी में। और आपने घर बैठे देखो कांगड़ा देवी जी के दर्शन करे हैं। और ये बहुत सारी नौ देवियाँ हैं पूरे उसमें, चारों तरफ ऐसे बनी हुई हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा है, वैसे भी मंदिर में प्रांगण बड़े ही होते हैं जिससे लोग इतनी दूर दूर से आते हैं तो थोड़ा आराम भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं, मंदिर में बैठते भी हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर बैठे थे, हम लोग ने भी रेस्ट करा था। ये मंदिर का गुंबद है, कितना प्यारा सा बना हुआ है और ये कितना देखो अच्छा सा लग रहा है। और ये भैरव बाबा जी का मंदिर है जो मैंने आपको बताया था।
भैरव बाबा जी हैं अंदर, भैरव बाबा जी के दर्शन करिए, आप भी करिए मेरे मेरे साथ भैरव बाबा जी के दर्शन। ये नगर कोट वाली माता का ये चौराहे से ही एक गेट बना हुआ है, यहीं से यात्रा शुरू हो जाती है मंदिर की, और ये मंदिर की यात्रा यहीं से शुरू होती है और यहीं पर आकर ख़त्म होती है, और यहीं से मार्केट भी शुरू हो जाती है। ये देखो ये चौराहा है, यहाँ पे आप पार्किंग वगैरह भी कर सकते हो, और अंदर जाने का रास्ता ये है। ये है कांगड़ा देवी का रास्ता, 100 रुपए की चप्पल। देखो कितनी प्यारी प्यारी सी जूतीज यार, ये 100-100 रुपए में कुछ कम नहीं लोगे तो ज्यादा सारे ले ले। कौन सी? ये वाली 90-90 लगा दे, 50-50 लगाओ। कमरा खाई कमरा, ये क्या है? चौक पौन। एक और बना दो।